और ज़माने जाहिलियत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह नहल में नक्शा खींचा है, वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वसु मुसवद्दा, कि जब किसी को बशारत दी जाती थी कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई तो उसका चेहरा काला पड़ जाता था, उसके चेहरे का रंग बदल जाता था, मायूस हो जाता था, ऐसा लग रहा किसी ने उसको गाली दे दी है। बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा का रंग उड़ जाता था। और फिर कितने लोग ले आके दफन कर देते थे, कुरान ने उसके बारे में भी कहा सूरह तकवीर में कि वह इज़ल मौऊदत सुइलत, कि जब जिंदा दफन की गई लड़की पूछी जाएगी बि अय ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह पर उसको कत्ल किया गया, उसका क्या पाप था, उसका क्या जुर्म था कि उसको कत्ल कर दिया गया। ये ज़माने जाहिलियत के बारे में जो कुछ कुरान ने कहा है आज हमारे दौर में भी हो रहा है, बस उसका तरीका थोड़ा सा बदल गया है लेकिन वही हो रहा है। इसलिए बेटियों के हकूक पर हम बात करें तो सबसे बड़ा हक जो बाप बेटी को दे सकता है तो सबसे पहला हक ये है कि उसको जिंदा रहने दे, उसको जीने का हक दे। बहैसियत बाप हम अपनी बेटी को सबसे बड़ा हक क्या दें, उसको जीने का हक दें। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर रहा है हमारे लिए बेटी का तो हम इस फैसले का इस्तकबाल करें, हम इसको मंजूर करें, इस पर राजी रहें, क्योंकि यह फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, हमारा तो कुछ नहीं ना। अगर हमारे यहां बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है इसमें हमारा और आपका क्या है, कुछ नहीं, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला ने यह भी कुरान में कहा है सूरह शूरा आयत 49 से 50 देखें आप, अल्लाह फरमाता है लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्ज, अल्लाह ताला के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत, यखलुकु मा यशाओ, वो जो चाहता है पैदा करता है। तो क्या पैदा करना है, यह अल्लाह की चाहत पर है, अल्लाह जो चाहेगा पैदा करेगा। फरमाया यहबू लिमन यशाओ इनासा, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, वह यहबू लिमन यशाओ दुकुरा, और जिसको चाहता है लड़के देता है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तो उसका फैसला है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़के देता है, लड़की देना लड़का देना, और आगे औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, जिसको चाहता है दोनों देता है, लड़का भी देता है लड़की, किसी को सिर्फ लड़के, किसी को सिर्फ लड़के, किसी को दोनों, और आगे है वह यजअलु मन यशा व अकीमा, जिसको चाहता है बांझ बना देता है, यानी उसकी औलाद ही नहीं होती। तो ये सारे फैसले अल्लाह ही करता है, लड़का होना है या लड़की होना है या दोनों होना या कुछ नहीं होना है, ये सारे फैसले अल्लाह की तरफ से। इसलिए हम हमारे साथ जो भी फैसला करे अल्लाह ताला हमें उसे मंजूर करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हक हो सकता है जो हम अपनी बेटी को दे सकते हैं कि उसे जिंदा रहने का हक दें, और अगर अल्लाह ताला ने उसे हमारे हिस्से में दिया है तो हम उसका इस्तकबाल करें।